नाल डंडा सहारा कर दो, डंडा सहारे लंबी की लंबी बिछा दो, दो रिया की दो रिया ने सहारे बिछा दो ना, उरान खींच लिया ना सिद्धिये ने, उरान लिया सिद्धि बस एक बार पकड़ के और परान कर दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम 10 बज चुके हैं, आज क्यारियों का सारा काम हो गया, आप लोगों को दिखा दिया है। अभी मैं एक ये हेल है गोबर की, ये घेर के आऊँगी बाहर कूड़ी में, और जवार लेके के आऊँगी। और आज हमें जाना है मार्केट, हम जाने वाले कैंटीन में, तो ये वीडियो बना रहे थे तो मेरे को हंसी आ रही थी, तो अभी मैं घेर के आती हूँ ये हेल। तो घर के आगे पीछे सारे में हरियाली हरियाली है, क्योंकि खेतों में ही है घर, पीछे सारे खेत ही खेत है। और एक गेट ये इस साइड चढ़ा रखा है बड़ा, थोड़ी हाइट में है ये, क्योंकि इतना भरत होगा, घर नीचा है हमारा, हेल में गेर दिए कूड़ी में। अभी मैं काटूंगी ज्वार, और यहाँ से तूड़ी पड़ी हुई है, थोड़ी तूड़ी लेके जाऊंगी आरी में गेरने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, पशु भी इसको अब कम खाने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से खा रहे हैं। ये हमने अप्रैल में बो दी थी, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हो चुके हैं इसको, तो अब इसको कम खाने लगे हैं। तो ये देखिए अभी मैं काट दूंगी ज्वार। ज्वार हमारी कट चुकी है, इसको बांध दूंगी मैं, ये इसको जून बोलते हैं, तो ये मैंने लगा दिया है, दो लगेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी है, एक में नहीं जाएगी, तो दो लगा दिए हैं। ये देखिए दो लगाने के बाद ये अच्छे से चली जाएगी, वरना पीछे से ऐसे पंख से खिंच जाते इसके, तो दो जून लगा दिए हैं। अभी मैं लेके जाऊंगी थोड़ी बुक्की, ये देखिए ये सरसों के कढ़ाई के टाइम पे जो निकलती है, इसको तूड़ी भी बोलते हैं, बुक्की भी, तो इसको हरी में डाल दूंगी, पानी गर्म हो जाएगा। ये देखिए इस बार मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया ये, अब सर्दियों में इसको यूज़ कर लेंगे सारी को। और बेल हमारी जलने लग रही है, तोरू की भी और घिया की भी, तो अभी चलते हैं अंदर। तूड़ी भी डाल ली है, जवार भी कट गई है, तो अभी चलते हैं अंदर। अभी अंदर आने के बाद मैंने देखा कि तूड़ा लेके आना है, तो नहाने से पहले ये काम भी कर दूंगी। अभी मैं लेके आऊँगी तूड़ा, क्योंकि शाम के टाइम जो घेरना है, दूध देख रही थी मैं कि गर्म हुआ है या नहीं,
तो थोड़ी आंच लगानी पड़ेगी इसके नीचे। और तूड़ा लेके मैं आ गई हूँ, ये इसके नीचे थोड़ी आंच दे दी है, देखिए धुआं हो गया है। और ये ट्रैक्टर आ गया था, आगे की जगह हमने बवा दी है, बाल लगा दिए इसमें। अब बोएंगे इसमें हम कासनी। इसका इंतज़ार था क्योंकि इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था कि 11 बजे आएंगे, तो 11 बजे ये आ गए। अभी बाकी का काम जो बचा हुआ है वो करेंगे, खाना पीना सभी बाकी है, फिर मार्केट जाएंगे। ये देखिए गेट बंद हो गया है और धुआं धुआं हो रहा है। ये देखिए थोड़ी सी बुक्की जो मैं लेके आई थी वो डाल दिए। तो फिर आज हमारी चक्की का नशा बहुत पुराना, फिर हमने वॉशिंग करवा दिया है। ठीक है, तुरंत देखो फिर थंबनेल पे लगा दूं फिर फोटो। और माजी बाबा लेट रहे हैं बैठक में, कोई फोन आ रहा है। ये देखिए टाइम 11:30 का हो गया है, अभी बनाऊंगी रोटी। सब्जी बन चुकी है, कुछ तो शिमला मिर्च दो रखी हुई है रात की, और अभी बनी है फड़ी। ये देखिए ये फली की सब्जी बनी है अभी, माची नहीं बनाई है। और ये है इसमें मक्खन ताज़ा घर का, और ये अचार के डब्बे रखे हुए हैं। टीट और लेसवे का अचार है, नीचे अम्मी का है, इसमें शिमला मिर्च रखी हुई है। ये देखिए तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। और हेमांक ले रहा है अपनी क्लास, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो ये देख रहा है लीड लगाऊं तो वही देख रहा है ये इसमें। तो टाइम 1:40, अभी जाएंगे मार्केट, पहले पियेंगे चाय। ये देखिए ये देखिए सब तैयार। ये लो चश्मा हटाओ। टाइम 1:40, चलते हैं मार्केट, कैंटीन में जाएंगे, आप सबको लेकर चलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तैयार है। आपको मेरा ये सूट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पैंट का सिलवाया है अभी मैंने, ये दो सूट सिलवाए थे, एक रक्षाबंधन वाले दिन पहन के गई थी और एक ये पैंट के, मैंने अब तक दो ही सूट सिलवाए हैं। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, रास्ते में थोड़ी सी क्लिप मैंने ये बनाई थी। ये देखिए हमारे यहाँ नज़दीक रेवाड़ी लगता है, लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी हम पहुंच चुके हैं कैंटीन के नज़दीक, ये यहाँ के हॉस्पिटल है, जो लोग यहाँ से वो जानते होंगे, मातृका हॉस्पिटल है ये, काफ़ी बड़ी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए हम कैंटीन पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी अभी आई थी सामान की, तो इसमें सामान है कुछ। और ये गए हैं कुछ दुकान पे ठंडा वगैरह लेने, क्योंकि प्यास लग रही थी, बोले पानी नहीं। और ये इनका स्टोर रूम है, इसमें सामान जो कैंटीन का है वो स्टोर रखते हैं, ये गोदाम है इनका।
ये देखिए आ गए हैं पीछे से, आप देख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं छोटी मोटी सी अपनी ये शॉपिंग। शॉपिंग तो क्या है, घर का सामान है। इनके जाने के बाद फिर मार्केट का चक्कर नहीं लगता, क्योंकि ऑटो वगैरह अभी ज़्यादा नहीं चले कोरोना के चक्कर में। तो अभी जो कुछ है वो सामान यहीं से सारा ले लेंगे, कुछ नहीं बन मिलेगा वो कल परसों में देखेंगे मार्केट से। कल तो मार्केट बंद रहेगी, संडे है, फिर मंडे को आएंगे मार्केट। तो अभी कैंटीन का जितना भी है वो अभी ले लेंगे। ये देखिए छोटा मोटा सारा, तो आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। एक ये चिप्स का पैकेट, तेज पत्ता, दालचीनी, दही वड़े का, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मिठाई की बात कर लेगा, एक टमाटो केचप, एक पास्ता, सेवैया, रसोई का ना तेना बोल ले ठीक है। रस क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, पतंजलि की ब्यूटी क्रीम, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला बना ले जरूरी, छोला, चना दाल, दुकान खुल गया घर में, धनिया साबुत, लाल मिर्च, मोटी इलायची, बड़ी इलायची, मोटी इलायची बोल रहे हैं, बत्ती, काजू, लौंग, नमक घर के लिए, दाल मिक्सर, सौंफ, बादाम, मिक्स दाल, स्प्रे, गुलाब जल, ऐसे और एक ये बैग 850 का है कैंटीन से।